हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो वीडियो आज की डेट में यहाँ पर आ चुकी है, जाके देखिए, देख के सीखिए और आपको चीजें पता चलेगी किस तरीके से आपको यहाँ पर करनी है 2022 के लिए। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की जिसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी, ओके, इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, जानने वाले गोदरेज प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या नजर आता है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और चीजें यहाँ पर दोबारा यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे सकती है और अच्छे खासे रिटर्न हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में मिल सकते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े जाने इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आपसे चाहूंगा कि आप हमारे चैनल, जो कि आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है आपके लिए, स्टॉक को चूज किया जाता है, तो उसके लिए अप्रिशिएट जरूर करें, एज वेल एज कमेंट करें और लाइक करें। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें, हमारे फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है, इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी, और गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1900 रुपए के आसपास, 1924 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। 52 की खाई देखेंगे तो 14 अक्टूबर को लगभग 2600 रुपए यहाँ पर 52 की खाई था, उधर से यहाँ पर लगातार गिरावट है और लगभग 2 महीने कंसोलिडेशन फेज और गिरावट में ही निकल गए हैं। 1200 रुपए का 52 की खाई था और आज के दिन में भी लगभग 30% के शेयर, 1,75,000 शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। और भी चीजें देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अभी आए थे और दोबारा यहाँ पर रिजल्ट फेम में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 58.53% के शेयर प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। अब जान लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। जैसे कि प्रॉपर्टी का शेयर है, गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में आपने देखा भी होगा, बैनर लगे हुए देखे होंगे, इनके एग्जीबिशन में भी आप गए होंगे, मॉल्स में होते रहते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इस रियल एस्टेट डेवलपमेंट आर्म ऑफ द गोदरेज ग्रुप, तो एक गोदरेज ग्रुप का, और गोदरेज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, याद रखिए। गोदरेज केवल यहाँ पर प्रॉपर्टी में ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजों में डील करता है। विच वाज स्टार्टेड इन 1897, याद रखिए 1897, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी है, एंड इज टूडे वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्ग्लोमेरेट्स। और गोदरेज प्रॉपर्टी ब्रिंग्स द गोदरेज ग्रुप फिलोसफी ऑफ इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस ऑफ द रियल इस्टेट। तो बात करें, एक रियल इस्टेट है जहाँ पर आपको एक इनोवेशन दिखाई देगी, सस्टेनेबिलिटी दिखाई देगी, एक्सीलेंस दिखाई देगा, एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी दिखाई देती है, और नंबर वन यहाँ पर अगर बात करें इसी कंपनी का नाम आता है। कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेंट्री सिचुएशन इन डिफरेंट लोकेशन अराउंड इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग लोकेशन में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहाँ पर नजर आता है। पुणे अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ टोटल सेल्स एरिया, अगर बात करें पुणे में ही इनकी 20% सेल्स यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, फॉलो बाई यहाँ पर अगर बात करें मुंबई में 21%, बेंगलोर 17%, दिल्ली एनसीआर 15%, रेस्ट अगर बात करें इंडिया की तो 21% सेल्स एबल एरिया इन लोकेटेड एट अदर लोकेशन। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ से इनकी जो इनकम है वो ज्यादा होती हुई दिखाई देती है, इनकी प्रॉपर्टियां ज्यादा सेल आउट होती हुई दिखाई देती है। इंक्रीज इन प्रॉपर्टी एडिशन अगर बात करें, कंपनी यहाँ पर हैज सीन द बूस्ट इन द प्रॉपर्टी एडिशन ओवर द लास्ट डिकेड, एंड इट सॉ एडिशन ऑफ एन एवरेज एडिशन ऑफ 100 मिली स्क्वायर फुट एरिया, 10 मिलियन वो भी वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट सिंस फाइनेंशियल 12 एंड 17, 12 से 15 के बीच में 10 मिलियन स्क्वायर फुट के में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगाया है। 76 मिलियन स्क्वायर फुट अक्रॉस प्रोजेक्ट सिंस 18, और यहाँ बात करें 2018 से इन्होंने 76 मिलियन स्क्वायर फुट में और ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिए, और 20 मिलियन स्क्वायर फुट अक्रॉस प्रोजेक्ट एडेड एवरी ईयर। तो उनमें भी अगर बात करें 76 में से 20 मिलियन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हर साल ये कंपनी का यहाँ अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है, और टोटल 35 प्रोजेक्ट्स इन इट्स पोर्टफोलियो सिंस फाइनेंशियल ईयर 18, तो 2018 से यहाँ पर अगर बात करें 35 प्रोजेक्ट इनके यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर मार्केट शेयर भी इनका अच्छा खासा है, और यहाँ पर ये कंपनी आपको बड़े बड़े घर बनाती हुई दिखाई देती है, और जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम की के कल्चर आ गया है, लोगों को यहाँ पर स्पेस की जरूरत आन पड़ी है, तो यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट पुणे, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर सब जगह यहाँ पर दिखाई देते हैं। कमर्शियल्स में ये कंपनी दिखाई देती है, अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड बिजनेस इनका दिखाई देता है, और एक लग्जीरियस घर बना के देते हैं, ऐसे नहीं छोटा मोटा यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्जीरियस घर यहाँ पर ये बना के देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे, और इंडिया में आपको पता ही है लोग
पैसा यहाँ पर घर में कितना खर्च करते हैं और अच्छे खासे तरीके से खर्च करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, तो देखिए 53,469 करोड़ का, लगभग 53,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। यहाँ पर देखिए आर ओ सी नेगेटिव दिखाई देगी, बट कंपनी ने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया, आपके पैसे को अच्छा खासा बढ़ाया। डेट टू इक्विटी की बात करें 57% का यहाँ पर डेट भी नजर आता है। 2600 से शेयर करेक्ट होके ऑलरेडी नीचे आ चुका है और यहाँ पर ₹5 का इनका फेस वैल्यू भी नजर आता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, बट कंपनी में ऐसा नहीं है कि गिरावट ना हुई हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपनी में गिरावट यहाँ पर हुई, फिर यहाँ पर भागा तो यहाँ पर से एक अच्छी खासी गिरावट, एक कंसोलिडेशन फिर उसके बाद। बट चीजें अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में होल्ड करी है तो चीजें केवल ऊपर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, और इस तरीके की गिरावट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओके 25 से 30% की, वो गिरावट यहाँ पर पहले यहाँ पर भी हो चुकी है, वही गिरावट से यहाँ पर भी हुई थी पैंडमिक के वक्त में, और यही गिरावट यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर ऐसी चीजों का जो जो फायदा उठाता है तो उस चीजों को यहाँ पर प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इनके पीयर कंपैरिजन करेंगे, तो पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ही डीएलएफ को बाद ये एक सेकेंड लार्जेस्ट अगर बात करें मार्केट कैपिटल में कंपनी नजर आती है, जो कि यहाँ पर बड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, सेल्स देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी चल रही थी, बट यहाँ पर एक गिरावट हुई और यहाँ पर दोबारा कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है जून के बाद से, और दोबारा यहाँ पर सेल्स इनकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेस पर देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है, अदर इनकम यहाँ पर इनकी अच्छी खासी होती है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट बेसिस पर तो ग्रोथ नहीं है, बट अगर बात करें एक बड़ा ग्रुप है और इस तरीके से जब घर की प्रॉपर्टी की बातें हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यही शेयर है जो यहाँ पर आपको भागते हुए दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट कंपनी का शेयर हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है हमें। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं बोरिंग की, तो यहाँ पर बोरिंग भी कंपनी के पास अच्छी खासी है, बट कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पर नजर आता है, और कंपनी ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 262 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में अभी पाइपलाइन में, और जैसे ही काम खत्म होगा ऑब्वियस सी बात है दोबारा यहाँ पर इनके जो प्रॉपर्टी है दोबारा सेल होती हुई नजर आएगी। और प्रॉपर्टी में किस तरीके से बूम है वो आप देख सकते हैं कि 10 साल पुरानी यहाँ पर अगर बात करें ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं 58.43% है। FIs ने इस देखिए लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई थी, DIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है, पब्लिक के पास से हिस्सेदारी कम हो रही है। पब्लिक के पास से देखिए हिस्सेदारी कम होना मतलब यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की हिस्सेदारी बढ़ना है। यहाँ पर देखिए FIs 13 से 30 हो गए हैं, DIs की बात करें 1 से 4 और 5 हो गए हैं, और पब्लिक की बात करें 14 से 7 हो गए। तो पब्लिक के पास आधी शेयर यहाँ पर घट गए हुए नजर आ रहे हैं और FIs DIs के पास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जब यहाँ पर बेचना वो शुरू करेंगे तो यहाँ पब्लिक के पास बढ़ते हुए नजर आएंगे और DIs FIs के पास घटते हुए नजर आएंगे, तो ये चीज को भी आपको देखना है। बट चीजें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुकी है और एक गिरावट अगर बात करें 25% की गिरावट अभी फिलहाल नजर आती है, और इससे पहले 30% तक की गिरावट में यहाँ पर ये आ चुका था। तो थोड़ी बहुत गिरावट की अगर बात करें तो एक सपोर्ट नजर आता है कितना 1767 रुपए के आसपास, जो कि इस कैंडल पे हमें यहाँ पर दिखाई देता है लगभग कितना 1766 रुपए। 1766 का यहाँ पर अगर बात करें नीचे शेयर आ सकता है, थोड़ी बहुत 200 रुपए के आसपास की गिरावट यहाँ पर 100-150 रुपए की गिरावट यहाँ पर हो सकती है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। बट अगर इसके अपसाइड की बात करें तो सीधे यहाँ पर ये शेयर जब दोबारा बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रियलिटी सेक्टर दोबारा यहाँ पर लीड करता हुआ नजर आएगा, रियलिटी के शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे, तो उसमें एक जो नंबर वन शेयर है ओके गोदरेज प्रॉपर्टी, तो वो तो सबसे पहले भागेगा, तो 35% के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 35% के रिटर्न अगर आपको थोड़े 3 से 6 महीने में भी मिल जाते हैं तो कोई बुरे रिटर्न नहीं है, अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। चीजें यहाँ पर भरी गई थी, भरने के बाद यहाँ पर नीचे लाई गई, थोड़ा सा साइड बेस चलेगा, फिर चीजें यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी। रिजल्ट भी पाइपलाइन में है, रिजल्ट अच्छे आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, और लोअर हाई हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ये शेयर हमेशा ऊपर नजर आया। देखिए वो यहाँ भागा, ये 1500 से 1100-1200 पे आया, फिर भागा, फिर थोड़ा गिरा, फिर उसके बाद फिर भागा है, फिर गिरता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर भागेगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ नजरें बना के रखिए। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें अप्रिशिएट करें इस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो इस पर्टिकुलर कंपनी की हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।